द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक तरफ जहां हमास के लड़ाके इजरायली सैनिकों का जीना मुश्किल किए हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला भी कुछ कम नहीं है। हिजबुल्ला भी लगातार इजरायलियों की धड़कन बढ़ाए हुए है। हिजबुल्ला भी लगातार इजरायलियों को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके दे रहा है। खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि हिजबुल्ला ने इसराइल के कई इलाकों के सैन्य अड्डों और फैक्ट्रियों पर मिसाइल से अटैक किया है। इस अटैक को कोई मामूली अटैक के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि इसराइल के सैन्य अड्डों और फैक्ट्रियों पर मिसाइल की बौछार कर दी गई है, जिसमें अब तक ये भी नहीं पता लगा पा रहे कि कितने लोग हताहत हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमला किया है, सैन्य अड्डों और फैक्ट्रियों पर हमला किया है, तो उस हमले में लोगों का क्या हाल हुआ होगा, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है कि हिजबुल्ला किस तरह के हमले करते हैं और किस तरह से हिजबुल्ला अपने टारगेट को निशाना करके उसे बिल्कुल जो है वो नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर इन तस्वीरों को कुछ आपको दिखाएंगे जिससे आप समझेंगे कि हिजबुल्ला भी लगातार इसराइल का जीना मुश्किल किए हुए है। इजरायली सैनिकों को लगातार हिजबुल्ला की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले भी कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं। अमरीश मिश्रा जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर अपडेट देते रहे हैं, इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं, हमास इसराइल इस जंग में लगातार अमरीश मिश्रा जो है इस जंग पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार इसे लेकर वो ट्वीट करते हैं। तमाम जानकारियां अपडेट्स जो है वो ट्विटर पर साझा करते हैं। यहाँ पर उन्होंने हिजबुल्ला के हमलों को लेकर भी जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि हिजबुल्ला ने फिर मारा, यानी कि हिजबुल्ला लगातार ही इसराइल पर हमले कर रहा है। एक बार फिर से हिजबुल्ला का हमला इसराइल पर हुआ, इस बार इसराइल के अविविम, बेत हिल और शलोमी इलाके के सैन्य अड्डों पर और फैक्ट्रियों पर मिसाइलों की बौछार कर दी। पता नहीं कितने इजरायली अब तक मारे गए हैं। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि क्या हाल इजरायली सैनिकों का हो रहा है, ना यहाँ के रह रहे हैं ना वहाँ के। एक तरफ इजरायली सैनिकों के लिए वो सिचुएशन बन गई दोस्तों कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। यहाँ जाएंगे तो हमास नहीं छोड़ेगा, उधर जाएंगे तो हिजबुल्ला नहीं छोड़ेगा, और लगातार ही हिजबुल्ला इसराइल पर हमले कर रहा है, सैन्य अड्डों पर हमले कर रहा है, इसराइली शहरों पर मिसाइलों से जो है वो अटैक कर रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ट्वीट भी देख रहे हैं। यहाँ पर आर्या ने एक मैप शेयर किया है, इस मैप से समझिए कि हिजबुल्ला ने इसराइल के कौन से और कहाँ कहाँ जगहों पर हमले किए। यहाँ लिखा है कि रॉकेट हमला लेबनान से मध्य गलील की ओर। यहाँ पर आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको दिख रहा है कि किस तरह से कहाँ पर जो है वो लेबनान की तरफ से मध्य गलील की ओर हमला किया गया है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर आर्या का ट्वीट देख रहे हैं। यहाँ पर आर्या ने हिजबुल्ला के हमले को लेकर और जानकारी दी है और यहाँ इन्होंने लिखा है कि जो दो पत्रकार इसराइल ने मार दिए, उन पत्रकारों का भी बदला हिजबुल्ला ने ले लिया है। यहाँ लिखा है कि आज हिजबुल्ला ने पूरे सीमा क्षेत्र में कई IOF लक्ष्यों पर हमला करते हुए 12 अलग अलग ऑपरेशन किए। 12 अलग अलग ऑपरेशन में किस किस की कितनी जाने गई हैं, कितना हताहत हुआ है, अंदाजा लगा सकते हैं। आज उन्होंने दो पत्रकारों और नागरिकों की हत्या की प्रतिक्रिया के रूप में उच्च मूल्य वाली इजरायली संपत्तियों पर हमला कर दिया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला ने जो लेबनान के दो पत्रकार मारे, इसराइल के हमले में जो दो लेबनान के पत्रकार मारे गए, उसका भी यहाँ पर बदला ले लिया है। अब ये पत्रकार कौन है, यह मैं आगे आपको बताऊंगी। यहाँ पर देखिए एक और ट्वीट, यहाँ लिखा है ब्रेकिंग हिजबुल्ला ब्लोज अप इसराइली टैंक्स, यानी कि हिजबुल्ला ने इसराइली टैंक उड़ा दिए। आगे लिखा है हिजबुल्ला ने इसराइली लेबनान सीमा के पास 21 नवंबर को 4:45 पर IDF के नेटा फिल्म सैन्य अड्डे पर घातक मिसाइल से प्रहार करके टैंक उड़ा दिए। इसको विश्लेषक एक बड़ी घटना बता रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि किस तरह से इसराइल लगातार अपने सैनिक खो रहा है, लगातार उसके सैनिक घायल हो रहे हैं और लगातार उसके जो वाहन हैं, जो गाड़ियां, बख्तरबंद वाहन, टैंक, जो भी उपकरण है जंग में जो भी लगते हैं, वो सब नष्ट हो रहे हैं। हमास एक तरफ लगातार इन पर हमले कर रहा है, टैंकों को नष्ट कर रहा है, वहीं कहा जा रहा है कि हिजबुल्ला भी लगातार टैंकों को नष्ट कर रहा है। हिजबुल्ला ने भी टैंक जो है वो एक के बाद एक मिसाइलों की बौछार करके उड़ा दिए हैं, जिसे विश्लेषक एक बड़ी घटना के तौर पर देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसराइल के एक तरफ खाई है और एक तरफ
कुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आप यहाँ पर देखिए एक और ट्वीट जिसमें लिखा है कि हिजबुल्ला ने, ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्ला ने इसराइल द्वारा साउथ में लेबनान में सिविलियंस और पत्रकार फराह उमर और अल ममारी की हत्या का बदला ले लिया है। इसराइल के अंदर मनारा साइट में हिजबुल्ला के मिसाइल निशाने पर लगे इजरायली सैनिक हताहत हुए। अब ये दो जो पत्रकारों की बात हो रही है ये कौन है, आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट देख रहे हैं, इससे समझिए। यहाँ पर दरअसल क्या है कि इसराइल ने हमला किया लेबनान में और इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करने के चक्कर में दो पत्रकार और कुछ सिविलियंस की जान ले ली। कहा जा रहा है कि इन्हीं का बदला जो है हिजबुल्ला ने ले लिया है। यहाँ लिखा है कि इसराइल ने हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला करने के चक्कर में सिविलियंस इलाकों पर बम गिराए। साउथ लेबनान में अल जुबियान हरफा इलाके में अल मयादी न्यूज के पत्रकार फरहा उमर और अल ममारी मारे गए इस हमले में। लेबनान के गैर हिजबुल्ला हिस्से भी नेतन्याहू से अब नाराज हो गए हैं और इन्हीं दो पत्रकारों की जान का बदला जो है वो हिजबुल्ला ने ले लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। अब इसी के साथ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसराइल का इस जंग में कितना खर्चा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर वाजिद खान एक पोस्ट शेयर करते हैं, इस पोस्ट में लिखा है कि इसराइल की अर्थव्यवस्था का हुआ बेड़ा गर्क, आरक्षित सैनिकों को बीच युद्ध में वापस बुलाया गया। यहाँ पर वाजिद खान कैप्शन में लिखते हैं कि इसराइल को अब तक $51 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इसराइल पहले से ही कर्जे में डूबा हुआ है और इसराइल को मदद करने वाला अमेरिका भी कुछ ज़्यादा अच्छी हालत में नहीं है। अमेरिका भी कर्जे में डूबा हुआ है, उसके पास भी काफ़ी कर्जा है, लेकिन ऐसे में वो लगातार इसराइल की रीढ़ की हड्डी बन रहा है, इसराइल को लगातार आर्थिक मदद भेज रहा है। और अब इस आर्थिक मदद को लेकर किस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं ये आप देख रहे हैं। जंग में कितना नुकसान हो रहा है, सैनिक मारे जा रहे हैं, टैंक बर्बाद हो रहे हैं और अब तक $51 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो हर दिन जो है वो इसराइल का हर दिन $1 बिलियन जो है इस जंग में खर्च हो रहा है और इस जंग को चले हुए 45 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। गाजा पट्टी में ज़मीनी ऑपरेशन को भी 20-25 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो कही जा रही हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इसराइल लगातार अपने सैनिकों की मौत का आंकड़ा छुपाता रहा है, लेकिन इसराइली मीडिया लगातार भंडा फोड़ देती है। यहाँ पर वाजिद खान बता रहे हैं कि इसराइली पत्रकार ने क्या कुछ कहा है। 7 अक्टूबर के बाद जो ये जंग शुरू हुई है हमास इसराइल के बीच, इसमें अब तक कितने उनके सैनिक मारे गए हैं, तो यहाँ लिखा है इसराइली पत्रकार बता रहे हैं कि 7 अक्टूबर से अब तक 2,985 इसराइली सैनिक मारे गए हैं और 11,600 घायल हुए हैं। इसराइल ने इस बार अपनी मौत का सौदा किया है, अल्लाह फिलिस्तीनियों को कामयाबी दे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इजरायली पत्रकार यहाँ कह रहे हैं कि 2000 और कितने लोग जो हैं, लगभग 3000 के पास आप समझ लीजिए सैनिक जो है वो मारे गए हैं। हालांकि एक दिन में अगर 8 से 10, 15 से 20 सैनिक मारे जा रहे हैं तो ये आंकड़ा जो है और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। और जो घायल हैं वो भी, उन्हें भी कोई छोटी मोटी चोटें नहीं बल्कि गंभीर रूप से वो भी घायल होंगे, गंभीर रूप से वो भी चोटिल हुए होंगे। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर अमरीश मिश्रा का ये ट्वीट भी देख रहे हैं, इसमें उन्होंने अबू उबैदा ने जो स्पीच दी है वहाँ उसको कॉन्क्लूड करके लिखा है कि किस तरह से अबू उबैदा जो है वो बता रहे हैं कि पिछले तीन दिनों में 60 ज़ायोनी सैन्य वाहनों को उन्होंने नष्ट कर दिया है, जिनमें से 10 बख्तरबंद वाहन भी शामिल हैं। हमारे लड़ाकों ने शनिवार को एंटी कार्मिक उपकरणों के साथ एक इसराइली पैदल सेना बल को निशाना बनाया, जिससे महत्वपूर्ण चोटें आई और मदद के लिए दुश्मन की चीखें सुनाई दी। तो इन तस्वीरों, इन खबरों और इन आंकड़ों को देखकर साफ साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज़मीनी ऑपरेशन जो इसराइल की तरफ से छेड़ा गया गाजा में, जो घुसपैठ की गई इसराइली सैनिकों की तरफ से, वहाँ क्या हो रहा है। एक तरफ हमास इसराइल को नहीं छोड़ रहा, दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने भी इसराइल को जो है वो चारों तरफ से घेर लिया है। हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर हमले कर रहा है और अगर हिजबुल्ला और हमास दोनों एक साथ मिलकर इसराइल पर हमला कर देते हैं तो इसराइल को कोई दूसरी सुपर पावर जो है वो नहीं बचा पाएगी। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? हिजबुल्ला के हमले जिस तरह से इसराइल में तेज हो रहे हैं उसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।